मैंने कमरों की छत पे चढ़ा हुआ था तो वीडियो में बना रहा था, जब मैंने किकर काटा था, आप तमाम बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी कि छत फंस गई। वो क्या उसको है, हाँ वो बात मैंने सुनी है बहन भाइयों। वो बात इस तरह है कि वो जो है ना अपना इरफान जो आप देखते हैं हमारा मसात, उसको किसी ने इंस्टा पे ना मैं भी ठीक है सर, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, शेयर कमेंट कर, वीडियो के बेल कर नहीं करना। तो हमारा व्लॉग हो गया शुरू, तो मेरी बड़ी बहन चाय पका रही है, वो भी आपको दिखाऊंगा, और रात बारिश आई है तो और वो भी आपको दिखाते हैं। देखें जी बादल अभी भी खड़े हुए हैं, और यहाँ से बारिश आई थी, यहाँ से हमने वो नाली बनाई और यहाँ से पानी गया वो उस पाइप तक, वो जो पाइप दिख रहा है वहाँ तक, तो दीवार से निकाला। और जब पिछली बार बारिश आई थी ना, तो अम्मी ने यहाँ से ये तोड़ दी, क्योंकि यहाँ से पानी गुजरे, इसलिए ये जी रहना बोर एहसान भी आ चुके हैं। एहसान ढिंडक नक दी ढिंडक नक दी ढिंडक अभी नहीं जुम्मा करता, वो चाचू असलम के वो कहने पे लगाता है। जैनब ना सुनाओ, ढोले को छोड़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद जिते मेरे ना मेरे पौधे, इसको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं, बारिश आती है खुद पानी दे के चली जाती है। कांवर भी आ चुके हैं, आप कांवर क्या हाल कर रहे हो? ठीक है, सलाम ना करो। सलाम ना कम कर पर भाई, क्या हाल ना करते हो? सब ठीक तो ठाक, जान रहा खुश रहा, बाद रहा हंसते हो, मुस्कुरात रहा, फूलों की तरह जैसे हम हंसते हो मुस्कुरात रहा फूल। तुम्हें कहाँ है बताओ? हाँ जी कहाँ के जी, बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा बन चुका है, वो सारे दरख्त ही दरख्त सब सब, वो हमारा परचम लहरा रहा है, वो देखें। देख गया ना वो 14 अगस्त था ना, तो फिर लगाया था, और वो हमारी वाईफाई वो खड़ी हुई है, और ये देखें वो चला गया, वो भाग रहा है दरवाजे से, ये देखें देखना, वो देखें वो जा रहा है। चलो ये देखें जी, ये हमारे घर के सामने बारिश की वजह से सारा घास आ गया है। मेरी बड़ी बहन ने ये सब बर्तन धो दिए हैं, और चूल्हे भी साफ करेंगे, इसमें पानी डाल दिया है, तो ये अभी चूल्हे पे रखेंगे और फिर जला के फिर चाय बनाएंगे। पत्ती भी डाल दिया है, खाला ने दूध बना लिया, और इस्लामुद्दीन भी खा रहा है, और खाला भी खा रही है। हाँ जी, चूल्हा भी जला दिया है, और देगची भी ऊपर चढ़ा दी है, तो जब ये बन जाएगी तो फिर आपको दिखाएंगे। ये जी हमारी चाय रेडी होने वाली है, तो जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर बस हो गई, तो चाय हमारी रेडी होगी है, तो प्यालों में डालेंगे तो फिर आएंगे। और
अभी भी खड़ी हो गया है। प्याले में डाल दिया है तो हम ठीक है फिर सकूल। ये जान जा रहे हैं स्कूल तो इस्लामुद्दीन भी है और बख्तावर भी और हाजरा और वकार हाँ जी वो उसकी हमें काल गए थी और ले आई। हाँ जी तो हम जा रहे हैं स्कूल तो हम भी ब्लॉग बनाएंगे। मम्मी जी लाटे बाकी है? नहीं बेटा अभी बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो बीमार हैं उसको अल्लाह पाक शिफा दे। तो मुखलिस की जो है तबीयत अभी ठीक नहीं है, उसकी रिपोर्टें भी आ चुकी हैं, दवाई भी साथ साथ खिला रहे हैं। आप लोग उन्हें बहुत उनके लिए दुआ करनी है कि वह जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। और मेरी भी तबीयत जो है वो बेहतर नहीं है, मेरा भी चेकअप करवाया है। चेकअप कौन करवाएगा, खुद मैंने आप करवाया है। तो मुझे भी टाइफाइड बुखार बताया है डॉक्टरों ने पुराने वाला, तो मेरी भी दवाई चल रही है। अभी मैं बच्चों के लिए खाना बनाने आ चुकी हूँ तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मम्मी जी पुलाठे बाल्गे अभी बना रही हूँ, आपने खाने हैं? हाँ। कौन कौन खाएगा? नूर मोहम्मद और आप खाएंगे। हाँ। चलो कुछ ये बना रखे हैं तो आप लोग खा लें, बाकी बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ठीक है। बोलो जोर से बोलो। हाँ। नूर मोहम्मद एक पराठा वहां पर रख दो कंजेर में और खाओ। खूबसूरत है। अरे बहन भाइयों बरसात हो रही है तो मौसम खराब है तो बरसात भी हो रही है। ये देखें जी कितनी बरसात हो रही है तो वो देखें जी, और तफीक और तैर लगे हुए हैं काम पे तो छत पे ऊपर लगा रहे आपको सामने तो बारिश बरसात हो रही है माशाल्लाह जी। बरसात के मौसम में मैं बाहर निकल आया, मैं बैल उठा के आया। बरसात के मौसम में बरसात हो रही है तो मैं खड़ा हूँ अंदर, तो मैं फिर मोबाइल ना भीग जाए तो हम ना भीग जाए इसलिए तो हम बाहर खड़े हुए हैं। तो आपको मौसम चेक करवाते हैं, हवा भी चेक करवा दिया है, मौसम भी चेक करवा दिया है। तो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, तो रात भी बारिश आई थी तो अभी तक बारिश बरस रही है। तो बारिश डिसाइन खड़न तो पर किए तक बारिशें तो किसी इलाके में भी बारिश है, तो कराची में मुल्तान और ढेर सारे इलाके में जो खुद सैलाब है, कोई लड़ रहे हैं कोई बच रहे हैं कोई हैं, तो इसलिए बहुत बारिश हमारे घर भी रात आई थी बारिश, अभी तक बारिश बरस रही है। तो आपको चेक भी कराया है तो अब चलते हैं, मिस्त्री काम पे लगे हुए हैं। तो कल गया ढोला बना हुआ था तो दरवाजा नहीं लगा, तो अब दरवाजा भी लगा हुआ है अभी जो है दरवाजा लग रहा है, उस टाइम में लग चुका है, इस टाइम में लग रहा है। तो चाचू अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तबीयत शफीयत? दरवाजा लगा दिया? लगा रहे हो और सुनाए तबीयत ये था फिट फाट है? गुजारा है। बरसात भी हो रही है, आप काम ही कर रहे हो? बस क्या करें, करना तो है। हाँ जी करना तो है, मुकम्मल करना है। मौसम तो फिर ऐसे रहेगा ना। हाँ जी हफ्ता पूरा बता रहे हैं मौसम अच्छा खराब रह रहा है। हाँ जी फिर अपना काम तो बंद नहीं कर सकते यार। हाँ जी करेंगे, बस भीग जो जाएंगे तो फिर काम स्टार्ट करेंगे। ज्यादा बारिश आ गई तो रुक जाएगा। हाँ जी बारिश रुकेगी तो हम फिर चल पड़ेंगे। हाँ जी ठीक है जी।
अभी यह तफीर का लगा हुआ है तो छत को धाम रहा है, तो बारिश बरसात भी होने वाली है, तो इसलिए तो पानी जो दादी जी दुकान है बता पानी तो मिल जाए नीचे, तो शायद सारी पहुँच जाएगी, तो इसलिए बना रहे हैं। तो अभी तक बरसात हो रही है तो बादल बन रहे हैं, तो अभी लगता है चलना पड़ेगा घर, तो बता हम ना भीग जाए, वैले भीग जाएगा तो हम भी कमाओ 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 कमाओ। अभी जो है बारिश बरस रही है बहुत तेज तेज बरस रही है बारिश। तो बीबी क्या बरस रही है? बारिश कितनी है? यादी। अच्छा जी, अभी जो है रात की बारिश बरस रही है, अभी तक बरस भी रही है बारिश, तो बनाने के लिए कुछ नहीं, कैसे लें बनाने के लिए, तो रात की बारिश अभी तक भी बरस रही है, जाती है कभी आ जाती है। आफरें? हाँ जी। किस चीज की? ओ इरफान ने अपना बसात मेरा। हाँ जी उसकी। वो क्या उसको है? हाँ वो बात मैंने सुनी है बहन भाइयों, वो बात इस तरह है कि वो जो है ना अपना इरफान जो आप देखते हैं हमारा मसात, उसको किसी ने इंस्टा पे ना मैसेज किया है और उन्होंने ऑफर किया है कि आपको 3 लाख रुपया देंगे आप जो है असगर मुखलिस के खिलाफ वीडियो लगाएं, जो है इस तरह की अभी ऑफरें आ रही हैं। भी हम अपनी परेशानी में मुतला है, हमारा भाई जो है बीमार है, ऊपर से पैसे दे के हमारे खिलाफ वीडियो बनवाने के लिए ऑफरें आ रही हैं। तो इरफान भाई ने मुझे बताया था कि इस तरह है ना ऑफरें आई हैं, मैंने तो कहा ठीक है ले लें 3 लाख रुपये, उनसे 3 लाख रुपये ले लो, जो दे रहे हैं उससे ले लो तुम, आपका घर बनता है ना, मैंने कहा उसको इरफान भाई को आपका घर बन जाएगा, आप वीडियो जैसी भी है आके बना लें असगर भाई की जो हालत है, खिलाफ लगाए हैं बिल्कुल शरेआम आके वीडियो बनाए, जो भी करना है आके कर ले, 3 लाख तो बचाए ना आप, लेकिन वो आगे इरफान की मर्जी जैसे भी करेगा। ये बात मैंने सुनी है जो आप लंबादार कह रहे हैं, अब लंबादार जो है बात जो कर रहे थे वो मुझे इरफान भाई ने बात की है। तो एक और बात मैं बता दूं तमाम बहन भाइयों को ताकि ये वाजे हो जाए कि अगर जब ये असगर भाई को लेकर गए हुए थे बहावलपुर ट्रस्ट कराने के लिए, बारिश में वो गए थे और उस दिन काफ़ी बारिश आई थी, आज भी बारिश है, तो मैं छत अपने कमरों की छत पर चढ़ा हुआ था, तो वीडियो में बना रहा था जब मैंने किक्कर काटा था, आप तमाम बहन भाइयों ने मेरी वीडियो देखी होगी कि छत के ऊपर किक्कर आया हुआ था और जो है पानी की वजह से अंदर पानी आ जाता था, तो उस वीडियो पे मुझे कमेंट्स आया है, एक नहीं आया दो कमेंट्स आया है, एक कमेंट्स में लिखा था कि अकरम भाई आपकी जो ये छत है ना ये मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं सोचे पड़ गया भी क्या हो सकता है भी क्यों अच्छी नहीं लगती, छत मेरी है कमरा मेरा है, वो कहते हैं कि आपको छत हमारी जो आपकी जो छत है मुझे अच्छी नहीं लगती, चलो भाई मैं खामोश। फिर दूसरा कमेंट्स ऊपर से आ गया उस आईडी से, तो आप पहले कमेंट किया भी आपकी छत जो है मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर दूसरा कमेंट आ गया आपका इंस्टा जो आईडी है वो आप इंस्टा आईडी मुझे बता दें, मैं आपको कुछ रकम भेज देते हूँ, पता नहीं सिस्टर थी या भाई था जो भी था, ये मैं वादे नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पता है जो भी था, मुझे पता था यार कि वो सिस्टर थी जो भी थी, तो उन्होंने कहा कि अपना इंस्टा आईडी मुझे दे दे, मैं आपकी ना पैसा देती हूँ, छत डलवाएं बरामदे डलवाएं कमरे डलवाएं, तो मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दी, मेरे जाके कॉमर्स में आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पे कॉमर्स अभी तक भी खड़े हैं, जाके कॉमर्स चेक कर सकते हैं, यही दो कॉमर्स आपने वाजे पढ़ लेना है, आपकी छत अच्छी नहीं लगती आप अपना इंस्टा का आईडी दे, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें क्या हम किसी के कोई गुलाम हैं जो आप कहेंगे हम कर लें, हम अपनी मेहनत है यूट्यूब पर, ठीक है हर आदमी जो है काम कर रहा है हम भी कर रहे हैं, और तमाम यूट्यूब पर जो हमारी फैमिली है तमाम यूट्यूब जो होता है ये समझो कि एक फैमिली होती है, और काफी बहन भाई यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि
वो अपनी हर बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे वीडियो देखेंगे, हमें किसी की कोई एक रुपए की जरूरत नहीं है। मैं आज वादे आपको कर दूं, कोई भी हमें ना कमेंट्स करे इस बारे में, कोई ना हमें कोई भीख देने की कोशिश करे कि हम ये क्या करेंगे, ये भी मैं आपको वादे कर दूं तमाम बहन भाइयों को। आज उन्होंने कमेंट्स किया मुझे, पैसे देते हैं, हेल्प करते हैं, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो ये, मैं तमाम बहन भाइयों को बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो मुझे शक था अभी ये आईडी किसकी है, इसलिए मैंने उसको कोई रिप्लाई नहीं दी। और वो कल को क्या कहती कि ये भिखारी हैं, ये इन्होंने हमारे से इतना पैसे लिए हैं। लेकिन मैं तमाम बहन भाइयों को बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी बहन भाई तलुकात हैं अच्छे हमारे, लेकिन ये है कि ये आईडी जो है मुझे आवाजें जो है आंखों पे नजर आ गई है कि ये किसकी आईडी है और ये मेरे साथ क्या करने वाली है, इसलिए मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, दिल दिया चला गया, उसको वापसी कॉमेंट का जवाब भी नहीं दिया कि आप मेरी हेल्प करें ना करें, आप जाके बेशक मेरे वसीम अकरम व्लॉग पे चले जाएं, वो किकरों वाली जो है देख रहे वीडियो उस पर कॉमेंट्स आए होंगे। आईडी का मुझे नाम अभी याद नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तमाम भाई भाइयों को पता है कि मैं थंबनेल टाइटल जो है वो भी भाइयों से लिखवाता हूँ, तो इसीलिए जो है मैं पढ़ याद नहीं रहती मुझे, फौरी तौर पे तो मैंने वो ट्रांसलेट करके पढ़ ली थी, अभी मुझे नहीं पता भी वो क्या नाम लिखा है, लेकिन कॉमर्स यही है, आपकी छत अच्छी नहीं है, हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है जी, मेहरबानी, ओके। यहाँ पर देखे मुखलिस साहब जो है वो सो रहे हैं, सुबह की दवाई खिलाई है, दो अब तक भी अभी सो रहे हैं, बाहर जो है बारिश का मौसम बना हुआ है, कभी बारिश रुक जाती है, कभी आ जाती है, कभी रुक जाती है, कभी आ जाती है, बहुत परेशानी बनी हुई है। बारिश रुके तो कोई चीज़ मंगवाएं, इसको भी खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं, और साथ जो बैठा है ये असलम खान, इधर से नींद दिखाई दे रहा, इधर से दिखाई दे गया, हाँ आपको भी नींद आ रही है? नहीं, थकावट हो गई है, थकावट हो गई, मतलब किया भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ये मौसम की वजह से ना अजीब सी तबीयत बन गई है। सही है जी, आप सुनाएं कैसे हैं मुखलिस साहब? मुखलिस अभी सो रहे हैं, सुबह दवाई खिलाई थी तो फिर अभी तक सो रहे हैं, सुकून की दवाई होती है ना, तो जबरदस्ती जगाना पड़ता है, जो चीज खिलानी पिलानी पड़ी, दोपहर की खिलानी थी वो भी खिला दी, अभी बारिश जो है रुक भी नहीं रही, शाम को टाइम तो बस क्या अल्लाह के काम है। हाँ, मुझे भी सुबह सा ना, सुबह जब मैंने उठी नाश्ता पानी किया, बहुत बुखार चढ़ा, बहुत मुझे ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। आप भी अच्छे डॉक्टर से दवाई ले लेना, थोड़ी सी गलती मेरी भी है, दवाई तो मैं कल लेकर आई थी लेकिन टाइफाइड वाले रोटी नहीं खाते, मैं ये गलती कर देती हूँ ना, रोटी खा लेती हूँ। आप अपने लिए कोई अलग चीज बनाए ना, मतलब चावल उबाल के फिर दूध डाल के फिर बना लिया करें, चाहे मीठा चाहे नमकीन, यही बात है, मुझे तो कल की दवाई खा रही हूँ कुछ फर्क आप भी नहीं। हफ्ता हफ्ता जो है ना ऐसे और चीजें खाएं, फिर जान छूटेगी, बहुत गंदा बुखार होता है टाइफाइड। हाँ, हड्डियाँ टूट रही हैं। हाँ, अल्लाह पाक बेहतर करे बहन भाइयों, आपने दुआ जरूर करनी है नसीबम भाभी के लिए और मुखलिस साहब के लिए, और बीबी भी बीमार है और ढोलू भी बीमार है, बाकी जैनब और मुअज्जम और सवेरा बच्चे हैं, तो जो बीमार है अल्लाह पाक उनको जल्द जल्द शिफा दे, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप दुआ करेंगे तो। ये देखें आपका बाहर, आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बीबी आपके भैया कहाँ हैं? कौन से मैरान? इधर आओ, आ जाओ जल्दी से, कोई चीज दुकान से ले आओ, और पकानी खानी नहीं है आपको, भूख नहीं है? नहीं, हमें तो है, आपके अब्बू को तो है, वो तो बीमार बंदा है, उसको दवाई खिलानी है। हाँ जी, वो खाला से ले लेना। खाला से ले ले, खाला क्या बना रही है? वो दाल। चलो ठीक है, हम भी बना लेते हैं। आप ऐसा करो ना, जा खुद चले जाएं, जा अपने भैया को बुलाएं, वो जल्दी से ले आए, बारिश तो रुकने की करना।
हाँ ऐसा कर जी। तो बच्चे जो है अभी आ चुके हैं, मौजम पैसे उठाओ और जाके ना चावल ले आओ, कुछ नर्म गिजा बना ले। आपके अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है तो मेरी भी, फिर दवाई भी खा लेंगे। रोटी खाते हैं तो बेहतर नहीं हो रही तबीयत। नहीं दाल पकानी है। दाल पकानी है, दाल चलो आपके लिए बना लेंगे। आपने दाल खानी है? हाँ जी। तो हम जब बीमार बंदे हम कहाँ जाएं, हम अपने लिए कुछ नर्म गिजा बना लेंगे। हाँ जी। ठीक है, दूध भी लाना साथ और दाल भी चावल भी ले आना। बीबी से पूछते हैं। हाँ बीबी आप क्या खाओगी? चावल। चावल इस्लामुद्दीन आप चावल खाओगे? ये फेंक दो नीचे गंदी। चलो बारिश फिर आ रही है ना, जल्दी से सौदे लेके आ जाओ तो फिर बनाते हैं खाना।